हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडूफाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था बीजेटी के बारे में, यानी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में। उसके टाइप्स को हमने देखा था, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसका इंट्रोडक्शन दिया था। आज यहाँ पे हम लोग इसके वर्किंग को समझेंगे। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है? इसमें दो स्मॉल ब्लॉक के पी साइज का सेमीकंडक्टर होता है और एक थिन स्लाइस एन टाइप की सेमीकंडक्टर को हम ज्वाइंट करते हैं। इसको हम कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, जिसमें दो साइड में पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं और एक बीच में एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। इसमें हम पहले वाले को एमीटर कहते हैं, दूसरे वाले को बेस, तीसरे वाले को कलेक्टर कहते हैं। अब एमीटर वो होता है जो हाईली डोप्ड होता है, मतलब हाईली डोप्ड का मतलब ये होता है कि उसमें फ्री चार्जेस ज़्यादा हों। अब वो इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, होल्स भी हो सकते हैं। तो आप जानते हैं कि पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होल्स होते हैं, तो यहाँ पर जो होल्स होंगे वो हाईली डोप्ड होंगे, यानी बहुत ज़्यादा होंगे। और इसका साइज की बात करें तो साइज इसका होगा मॉडरेट, यानी कि मीडियम। साइज इसका कैसा होगा? मीडियम। और कलेक्टर की बात करें तो कलेक्टर का साइज जो होगा वो लार्ज होगा। साइज कैसा होगा? लार्ज। लेकिन यहाँ पे जो डोप्ड है वो मॉडरेट है, यानी कि यहाँ पे फ्री चार्जेस जो होंगे वो एमीटर से कम होंगे। फ्री चार्जेस यहाँ पे कम होंगे, लेकिन साइज थोड़ी एमीटर से बड़ी होगी। और बेस जो होता है वो थिन होता है और लाइटली डोप्ड होता है, यानी कि उसमें फ्री चार्जेस भी कम होते हैं और वो थिन होता है। तो ये तीन चीज़ आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे जैसे ही ये एमिटर बेस कलेक्टर को हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से, तो क्या होगा कि आप जैसा कि जानते हैं पीएन जंक्शन डायोड आपने पढ़ा होगा, तो पीएन जंक्शन डायोड में आप जानते हैं जैसे ही पीएन जंक्शन डायोड बनता है वहाँ पर एक डिप्लेशन लेयर बन जाता है। तो यहाँ पर भी डिप्लेशन लेयर बन जाएगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ माइग्रेट कर जाएंगे, कुछ होल इस तरफ माइग्रेट कर जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमीटर बेस जंक्शन पे डिप्लेशन लेयर बन गया। ठीक इसी तरह से कलेक्टर बेस जंक्शन पे भी डिप्लेशन लेयर बन जाएगा। अब ये जो डिप्लेशन लेयर होगा वो बेस की तरफ ज़्यादा होगा, एमीटर की तरफ कम होगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी बेस की तरफ ज़्यादा होगा और कलेक्टर की तरफ कम होगा। अब इसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे और इसकी वर्किंग को यहाँ समझेंगे। तो हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हम इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि एमीटर और बेस को हम करेंगे फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस का मतलब पी टाइप को हम पॉजिटिव से, एन टाइप को निगेटिव से कनेक्ट करेंगे, और बेस कलेक्टर को यानी बी एन सी को हम कनेक्ट करेंगे रिवर्स बायस में, मतलब कि पी टाइप को निगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव में। इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आप ये याद रखना कि फॉरवर्ड बायस वाला जो वोल्टेज होगा कम होगा और रिवर्स बायस वाला वो ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हमने इसमें बैटरी कनेक्ट कर दिया। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव है और होल्स भी, होल्स का नेचर भी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा? होल्स को पुश करेगा, और आप जानते हैं कि ये नेगेटिव है तो ये होल्स को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक उसी टाइम यहाँ पे क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कहाँ अट्रैक्ट होंगे? इस पॉजिटिव से, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे कुछ एमीटर की तरफ बढ़ेंगे। ये रेड कलर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ एमीटर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक उसी टाइम पे यहाँ पे जो हमारे होल्स हैं ग्रीन कलर के, वो किधर की तरफ बढ़ेंगे? बेस की तरफ। आप ध्यान देना है यहाँ पे, ये बेस की तरफ बढ़ेंगे और ये बढ़ेंगे हमारा एमीटर की तरफ। तो यहाँ पे जब होल्स एमीटर से बेस की तरफ मूव करेंगे तो कुछ करंट हमको यहाँ पर मिलेगी। जब यहाँ पर होल्स एमीटर से बेस की तरफ मूव करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ करंट मिलेगी। जब ये यहाँ पे मूव करेंगे तो आप जानते हैं कि जो बेस होता है वो बहुत ही थिन स्लाइस का होता है, और यहाँ पे एमीटर जो है वो हाईली डोप्ड है, यानी बहुत ज़्यादा होल्स हैं। उस कंपैरिजन में बेस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत कम हैं, यानी एन टाइप के इलेक्ट्रॉन बहुत कम हैं। तो ज़्यादातर जो होल जो इस तरफ मूव करेंगे वो 95% होल्स, 95% होल्स क्या होंगे? बेस से पार होकर कलेक्टर में चले जाएंगे, और जो बाकी कुछ 5% या 4% बच गए वो क्या हो जाएंगे? इनसे कंबाइंड हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएंगे? कंबाइंड हो जाएंगे। ये आप याद रखना, 95% मूव कर जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद है। तो इस तरह से जब ये होल्स इस तरफ मूव करेंगे तो हमें इमीटर बेस सर्किट में कुछ करंट मिलेगी, जिसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। इसको हम लोग आई ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन होंगे तो हमें इस सर्किट में बेस करंट मिलेगी, और अगर हम यहाँ एक्सटर्नल सर्किट की बात करें तो हमें करंट मिलेगी आईबी। इसको मैं अभी डिस्कस करूँगा, और यहाँ पे जो करंट मिलेगी वो मिलेगी आईसी, इसको भी मैं अभी डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पे मैंने बताया कि 95% जब मूव कर जाते हैं इस तरफ तो क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रिवर्स बायस है। ये कैसा है? रिवर्स बायस।
तो रिवर्स बायस होने की वजह से यह निगेटिव है और ये होल्स जब 95% इस तरफ आ गए तो कलेक्टर में पहले से होल्स हैं और इधर के भी होल्स इधर आ गए, तो अब क्या होगा, ये निगेटिव टर्मिनल वाला क्या करेगा, इन होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इन होल्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होगी कलेक्टर रीजन में, ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होगी कलेक्टर रीजन में, इसीलिए हम PNP ट्रांजिस्टर को इस तरह से यूज़ करते हैं, ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होगी हमारा कलेक्टर रीजन में, क्योंकि एमिटर और कलेक्टर के दोनों के होल्स इस तरफ फ्लो करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, ठीक उसी टाइम पे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से निकलेगा और यहाँ पे बेस में चला जाएगा, ठीक उसी टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एमिटर से निकलेगा। अब भाई कुछ ना कुछ माइनॉरिटी में यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और इस तरफ चला जाएगा, यानी कि हम देखेंगे कि जो इसमें है, जो हमारा इंटरनल है, उसमें जो करंट फ्लो होगा वो होगा होल्स की वजह से, और जो हमारा इस तरह से एक्सटर्नल सर्किट है उसमें जो करंट फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला इस तरफ गया, तो करंट की डायरेक्शन तो इस तरफ है, क्यों, क्योंकि हम हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन को लेते हैं, तो इस तरह से हमें करंट मिल गया IB और IC। यहाँ पे आप देख सकते हैं IC करंट भी होल्स की वजह से है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि IC और IB मिलके फिर IE करंट को फॉर्म करेंगे, ये यहाँ से और ये यहाँ से मिलके फिर IE करंट को फॉर्म करेंगे, तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं IE = IB + IC। तो ये हमने समझा PNP ट्रांजिस्टर के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, आगे के वीडियो में हम लोग NPN ट्रांजिस्टर के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।